देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। शुभानस पीठ खुजरी ताल में चल रही श्री राम कथा आयोजन में कथा व्यास परम पूज्य जगत गुरु श्री रामा भद्राचार्य जी द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की गई। जगत गुरु ने कहा, कोरोना काल में अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना होते तो कितनी ही मौतें हो जाती। धन्य है कि मेरे अच्छे मित्रों से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे, इनकी जगह कोई दूसरा होता। कितने लोग मर गए होते, समझ जाइए, कल्पना नहीं कर सकते आप। मोदी प्रधानमंत्री थे, मेरे बड़े अच्छे मित्रों में से हैं वो। मोदी प्रधानमंत्री थे, उनका कोई परिवार नहीं। ठीक से उसका प्रयोग हुआ। वैक्सीन हम लोगों ने कितना लगाया आपको पता भी नहीं है। 1,40,00,000 आबादी हो रही भारत की और प्रत्येक को वैक्सीन लगा। आज भी कोरोना है पर भारत बचता जा रहा है। मित्रों, नेतृत्व को सोच समझ कर देना पड़ता है। और कोई प्रधानमंत्री हो तो तकलीफ देता, और उस व्यक्ति ने धैर्य से काम लिया। देखिए, काम की प्रशंसा होनी चाहिए, चाम की प्रशंसा नहीं की जाती। काम की प्रशंसा होती है। ऐसे ऐसे बयान दिए गए जिससे मनोबल टूट जाए, सेना का मनोबल टूट जाए। सर्जिकल स्ट्राइक के लिए बयान दिया गया, कोई बात हुई? हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, हमने उस वीर को सराहा, अभिनंदन जो पाकिस्तान में जो चला गया था, सकुशल लौट कर वह व्यक्ति आ गया। हमने 370 हटाई, क्या बात करते हो? अब आप कश्मीर में भी जमीन खरीद सकते हैं। 35 से हटाई, क्या कम काम किया? कितना काम चाहते हैं आप? और आपने क्या करके, इन लोगों ने क्या करके दिखाया? बुरा मत माने, आज मुझे खुद कहने दे, वेदांती नाराज होंगे तो उनको मिठाई खिला के मनाऊंगा। बुरा मत मानिए। 1947 की वो दुखद घड़ी देखी आप। लड़े हम लोग, पर 14 अगस्त मनाया पाकिस्तान ने अपना स्वतंत्रता दिवस, जबकि हमारे लिए अपमानजनक दिवस सही है।